जैन इरिगेशन अब फ्रूट प्रोसेसिंग के लिए भी नए प्रोडक्ट्स के साथ अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा रही है और नया प्लांट भी लगा रही है। जैन इरिगेशन के प्लान्स के बारे में कंपनी के एमडी अनिल जैन से बात की हमारी सहयोगी श्वेता भंडराल ने। मेरे साथ है जैन इरिगेशन सिस्टम्स के एमडी अनिल जैन। वेलकम टू द शो सर। सर, सबसे पहले हमें बताएं कि एक खास प्रोजेक्ट हमने देखा उन्नति, जिसके जरिए आपने अल्ट्रा हाई डेंसिटी फार्मिंग का अपना प्रोजेक्ट वो करा है, क्या है ये और कैसे आप इसे आगे बढ़ा रहे हैं? अल्ट्रा हाई डेंसिटी मैंगो प्लांटेशन का मतलब है कि एक एकड़ में पहले जो करीबन फार्मर 40 या 50 पौधे लगाते हैं उसकी जगह करीबन 600 पौधे लगाए जाए और उससे फार्मर का जो प्रोडक्शन है, उसकी जो उपजाव है, वो करीबन 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। तो एवरेज जो फार्मर है तोतापुरी मैंगो का, वो करीबन 1.5 से 2 टन ही निकाल पाता है, कभी 3 टन भी निकाल ले, बट इसमें 8 से 10 टन वो निकाल पाएगा 6th और 7th ईयर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि एक ट्रेडिशनल पौधा यदि मैंगो का आप लगाइए तो 6 या 7 साल लगते हैं जिसके पहले आपको आम का फ्रूट मिले, लेकिन ये यूएचडीपी में 3rd साल में ही आपको फ्रूट मिलना चालू हो जाता है, आम मिलना चालू हो जाता है और 4th-5th साल में और भी इजी हो जाता है। तो कितना फर्क पड़ेगा सर इससे प्रोडक्शन पे और कितना ज्यादा फार्मर के लिए ये यूजफुल है? फार्मर के लिए आप देखिए, जो 3 टन फार्मर यदि करता था और उसको 5 या 10 रुपए में यदि पर किलो मिलता था तो उसको 15 से 30 हजार रुपया पर एकड़ ग्रॉस इनकम मिलती है और इसमें उसकी वो इनकम 80 हजार से 1 लाख रुपए हो जाएगी। तो इतना ज्यादा फर्क है। थोड़ी इन्वेस्टमेंट शुरुआत तो करनी पड़ेगी लेकिन फिर उसको इनकम और उसकी जो मात्रा है वो काफी बढ़ जाएगी और मैनेजमेंट फार्म का बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि अपने हाइट के ऊपर पौधे जाते नहीं प्रूनिंग की टेक्निक से और उसमें ड्रिप इरिगेशन और फर्टिगेशन ये देने से लेवल ऑफ क्वालिटी फ्रूट्स की बहुत अच्छी आती है। कौन कौन से और फ्रूट्स में, मैंगो में हमने देखा लेकिन आप कौन कौन से और फ्रूट्स में ये काम कर रहे हैं सर और कैसे देश भर में आप इसको आगे ले जा रहे हैं? आम में हम काम तो जरूर कर रहे हैं, अमरूद में भी कर रहे हैं और अपने अनार में पोमोग्रेनेट में भी काम चालू कर दिया है और उसके बाद में अभी सिट्रस में यानी संतरा या तो मौसमी जो है ऑरेंज में, उसमें इसका काम इस साल 6 महीने के बाद शुरू हो जाएगा। कौन कौन से इलाकों में ये काम हो रहा है और कैसे, जैसे आप बिगेस्ट सप्लायर हैं कोका कोला के लिए, तो कोका कोला को आप क्या क्या सप्लाई इसमें से करेंगे और उनका जो विजन है 2023 तक एक $1 बिलियन माजा को बनाने का, ब्रांड बनाने का या उनके मिनट मेड को और आगे बढ़ाने के लिए, तो वहां किस तरह से आप लोग प्लांट्स कैसे नए लगाएंगे, किस तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? इसमें ऐसा है कि हमारे आज जो हम लोग यहाँ है चित्तूर में आंध्र प्रदेश में, यहाँ 2 प्लांट है और महाराष्ट्र में जलगांव में हमारे और 2 प्लांट है। तो ये 4 प्लांट से आज हम सारा मैंगो का प्रोसेसिंग करते हैं, कोको कोला को देते हैं और करीबन 50 देशों को एक्सपोर्ट भी करते हैं। और दूसरा हम लोग एक एडिशनल प्लांट अगले साल तमिलनाडु में उड़मलपेट में लगा रहे जो कोयम्बतूर के नजदीक है और उसके अलावा उसके बाद आंध्र प्रदेश में कर्नूल में और हमको मैंगो प्रोसेसिंग का और नया प्लांट लगाएंगे और जलगांव जहां हम हैं महाराष्ट्र में वहां हम एक्सपांशन करके पोमोग्रेनेट और गुआवा यानी अमरूद जो है उसका प्रोडक्शन वहीं एक्सपांशन करके करेंगे। ऑरेंजेस की बात करें, इंडिया में बहुत सारी जगह अलग अलग किस्म का ऑरेंजेस होता है, कहीं कीनू बोलते हैं कहीं संतरा बोलते हैं, तो किस तरह से आप इंडिया में ऑरेंज को वो कर रहे हैं, कहीं बाहर से कुछ कटिंग्स लाए हैं या क्या किया है? तो इसमें एक फंडामेंटल पायनियरिंग प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं। आप जैसे जानते हैं कि संतरा है या तो किनो है, ये खाने के लिए अच्छे है एज अ फ्रेश, लेकिन इसका प्रोसेस करके जूस कॉन्सेंट्रेट निकालना है तो आज वो मुमकिन नहीं है क्योंकि टेक्निकली वो नहीं हो सकता। और इसमें आज जो इंडिया में ऑरेंज जूस बिकता है उसमें मोस्टली बाहर का प्रदेश का ऑरेंज जूस कॉन्सेंट्रेट इम्पोर्ट होता है। तो अभी ये जो चीज चेंज करनी है, जो बदलाव लाना है, उसके लिए हमने 7 साल पहले ब्राजील से कुछ वैरायटीज लाई है और उसमें जो वैरायटीज इंडियन क्लाइमेट को, इंडियन सॉइल को जो सूट होंगे ऐसे वैरायटीज का भी चयन किया गया है और ये वैरायटीज अभी हम उन्नति द्वारा इस साल से फार्मर्स को देंगे और मुझे लगता है कि आप देखेंगे 4 या 5 साल के बाद में इंडिया में अच्छे क्वालिटी का प्रोसेसेबल एक स्वीट ऑरेंज जूस वैरायटी बननी चालू हो जाएगी और जो ना कि सिर्फ इंडिया में बिकेगी, वहां से इंडिया का एक्सपोर्ट भी ऑरेंज जूस कॉन्सेंट्रेट का बढ़ सकता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में एफडीआई 100% हो गया है, उसका हमारी इस इंडस्ट्री पे, आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, इतना कुछ आप लोग इनोवेट कर रहे हैं, किस तरह से फायदा होगा आप लोगों को उसका और कैसे आपको लगता है ओवरऑल इंडस्ट्री को इससे फायदा होगा?
नहीं, ओवरऑल इंडस्ट्री को इससे फायदा होना है क्योंकि उन्होंने बोला है कि 100% एफडीआई वो अलाउ करेंगे जहां भी जो मैन्युफैक्चर है इंडिया में प्रोड्यूस करेगा, तो उसमें मेक इन इंडिया भी आ गया और इंडियन फार्मर्स जो है उनको एग्रीकल्चर सप्लाई चेन के तौर तरीके से वो जो लोग आएंगे उनको और सिखाएंगे ताकि उनकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो वो बेनिफिट ओवरऑल सारों को होने वाला है। हम लोगों का, हम ऑलरेडी मेक इन इंडिया कर रहे हैं और मैंगो प्रोसेसिंग में वी आर ऑलरेडी लार्जेस्ट इन द इंडिया, दुनिया में सबसे ज्यादा हम मैंगो प्रोसेस करते हैं, अनियन भी प्रोसेस करते हैं, तो वो स्पेसिफिक ये पॉलिसी से जैन इरिगेशन का ऐसा स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं है, बट ओवरऑल फार्मिंग कम्युनिटी के लिए ये पॉजिटिव रहेगा। और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन पे आप खास काम कर रहे हैं, और इतने बड़े जब इतने सारे प्लांट्स लगाते हैं तो फार्मिंग जो होती है वो सीजनल होती है? हम लोग अभी बनाना प्रोसेसिंग कर रहे हैं, अनार का कर रहे हैं और गोवा अमरूद का कर रहे हैं, आमले का करते हैं, टोमेटो का भी करते हैं, तो ये सारे चीजों का, पपैया का करते हैं, ये सारे फ्रूट्स का प्रोसेसिंग करते हैं, तो और इसमें करीबन ऐसा समझिए 8-9 महीने प्रोसेसिंग हो जाता है जिसी एरिया में, जो हमारा महाराष्ट्र का प्लांट वहाँ हो जाता है। यहाँ हम सिर्फ टोमेटो, गोवा और मैंगो तीन ही कर पाते हैं क्योंकि साउथ में ये तीन ही फ्रूट अभी अवेलेबल है, बनाना ज्यादा अवेलेबल नहीं। उसमें हम टिश्यू कल्चर प्लांट फार्मर को देके तब इस एरिया में बनाना भी ग्रो करेंगे, ताकि हमारा एफर्ट ये है कि फार्मर को अपनी इनकम बढ़ाने के लिए अच्छा प्लांटिंग मटेरियल मिले और उसको गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का नॉलेज हम लोग देते हैं, उनको ट्रेनिंग करते हैं और उनसे हम एग्री करते हैं कि भाई आप जो भी ग्रो करोगे उसका 100% कंजम्पशन हम आपसे लेने को तैयार हैं। और इसमें आज हमारा फ्रूट पल्प और प्यूरे का आपने प्लान देखा, इसके अलावा हम अनियन डिहाइड्रेशन और वेजिटेबल डिहाइड्रेशन भी करते हैं और इसके आगे स्पाइस प्रोसेसिंग करने का भी मानस है जो अगले साल से हम करेंगे, और इससे जो टर्मेरिक है, जिंजर है, ये सारे नए स्पाइसेस में फार्मर को एक वैल्यू एडेड क्रॉप और नया आयाम मिलेगा कि जिससे उनको वैल्यू एडेड क्रॉप करके उनकी इनकम बढ़ेगी और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा। जब आप इतने सारी अपनी चीज में नए पोर्टफोलियो में नई चीजें जोड़ रहे हैं उससे क्या फायदा होगा और आगे जाते हुए हम क्या देख सकते हैं? हमें इसका बेनिफिट यह है कि जैन इरिगेशन में जैसे हम कोई फार्मर से मैंगो ले रहे हैं तो हम उसको ड्रिप इरिगेशन भी सेल कर सकते हैं, तो एक टू वे रिलेशनशिप बन जाती है कि हम उसको कुछ दे रहे हैं, हम उससे कुछ ले भी रहे हैं, तो दोनों तरीके से बिजनेस बढ़ता है, हमारा भी बढ़ता है।